तो मुस्कराइए, आप वापस इंडिया में आ गए हैं। तो हम लोग फाइनली एंटर कर गए हैं वापस से इंडिया में। पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच में ये सिंधुली नदी बह रही है और ये रास्ते हैं जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। तो हम लोग अभी नेपाल से वापस मधुबनी बिहार की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए आप नेपाल की सड़कें और ज़रा ये रास्ता देखिए आप। अगर आप बाइक से आ रहे हो, पैदल हो, तो भैया आपकी सांस रुक जाएगी रात में। ये देखिए हमारे कार प्ले में अभी टाइम हो रहा है 18:56, मतलब कि 6:56, और मोबाइल में टाइम हो रहा है 19:12, मतलब कि 7:12। हेलो जी, वेलकम बैक टू व्लॉग। तो ये नेपाल सीरीज चल रही है हमारी और भाई नेपाल की जो सड़कें हैं ना भाई, बहुत ख़तरनाक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इस पे ड्राइव कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से और इतने कर्व्स हैं, इतने शार्प टर्न्स हैं। मैंने मनाली भी किया है, मैंने स्पीति भी किया है, मैंने लद्दाख भी किया है, बट जितने शार्प टर्न्स यहाँ पर है ना, वो मुझे कहीं और देखने को नहीं मिले। तो चलो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो भाई ये है टर्न्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं और कितनी डेंजरस है। सिंगल लेन हाईवे है, इसको हाईवे ही बोल रहे हैं क्योंकि हाईवे है बेसिकली। एक तरफ, दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई है। ये देखें आप, एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई है और दूसरी तरफ अगर आप आ रहे हो ना भाई, तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं जो कि बहुत डेंजरस है। ये देखें आप, जब इस लेन से कोई गाड़ी आती है ना, अगर वो ज़रा सा भी बैलेंस बिगड़ी तो वो सीधे इस स्लोप से अंदर गिरेगी और निकालने के लिए क्रेन ही बुलानी पड़ेगी आपको, हाथों से तो नहीं निकलेगी वो। ये देखिए इतनी डीप है, लगभग 1 से 1.5 फीट लंबी है ये। तो इसीलिए नेपाल की ये राइड हमारे लिए तो यादगार है। और सामने खड़ी हमारी ड्राइवर जिसने अभी तक हमारा बहुत साथ दिया है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आई है और एवरेज हालांकि कम दिया है, बट ठीक है, चलता है। तो हम लोग अभी नेपाल से वापस मधुबनी बिहार की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए आप नेपाल की सड़कें और नेपाल के मकान। और ये जैसे हमारे यहाँ परकोटा होता है, उसी तरह से ये एरिया है, सिटी एरिया बोल सकते हैं आप इसको। भाई देख लो, सिर्फ इंडिया ही नहीं, नेपाल में भी शिव भगवान की महिमा मंडन हो रहा है। अगर आप लोग शिमला गए हैं और आपने जाखू मंदिर देखा है, तो आप जानते होंगे कि जाखू में जो टेंपल है वहाँ पे हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति है। तो नेपाल में भी शिव भगवान की ये विशालकाय प्रतिमा है और इसी के पास जाने के लिए ये पुल है, यहाँ से आपको जाना पड़ता है। ये है काठमांडू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, यही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कार पार्किंग की तरह प्लेन्स की भी पार्किंग यहाँ पे बहुत ख़तरनाक तरीके से लगाई हुई है भाई, देख सकते हो आप। तो गाइस हम हैं अभी नेपाल के पेट्रोल पंप पे और नेपाल में पेट्रोल पंप मिलना, एक तो यहाँ हमें बहुत मुश्किल से पेट्रोल पंप मिले, बहुत दूरी पे पेट्रोल पंप है। और भाई ने सबसे पहले हमसे यही पूछा कि भाई नेपाली करेंसी है ना, मैंने कहा हाँ भाई नेपाली करेंसी है, हमने चेंज करवा लिया था। तो गाइस ये है नेपाल का भाव पेट्रोल का। देखिए एक अद्भुत चीज़ दिखाते हैं आपको भाई, जो मैंने तो कभी नहीं देखी। पूरी दीवार पे मिरर्स लगे हुए हैं, ये देखिए आप, पूरी दीवार पे मिरर्स लगे हुए हैं। और ये क्यों लगाए गए हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे एक मंदिर है और उस मंदिर के लिए ये शीशे लगाए गए हैं। जैसे हमारे वहाँ पत्थर पे पत्थर रख के घर बनाए जाते हैं, उसी तरह से इनकी भी कोई ट्रेडिशन होगी। तो
हजारों की तादाद में शीशे लग रहे हैं भाई और उनपे मैसेज भी लगे भाई। और ये है श्री सेती देवी माता। तो हम चल के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं। ये है श्री सेती देवी माता मंदिर। तो दोस्तों नीचे बह रही है सिंधुली नदी और ये जो नज़ारा है भाई बहुत 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 ही आकर्षक है। पहाड़ों के ऊंचाइयों के बीच में ये सिंधुली नदी बह रही है और ये रास्ते हैं जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। और नीचे पड़ता है मलकोट और वो जो सामने मैंने अभी बताया था ये था ताज रिज़ॉर्ट। और हम लोग दर्शन करने के लिए रुके हैं यहाँ पे सेती माता मंदिर। वहाँ पे मंदिर है और ज़रा देखिए आप ऐसा नज़ारा मैंने तो कहीं और नहीं देखा। यहाँ पे पूरे रास्ते पे ये मिरर्स लगाए गए हैं। अब ये इनकी कोई रिचुअल्स होंगे या ट्रेडिशन होंगी उसके लिए ये मिरर्स लगाए गए हैं यहाँ पे। और ये दूर तक है भाई। हैं अभी मलकोट विच इज़ नियर अराउंड 75 किलोमीटर्स फ्रॉम काठमांडू। और भाई ऐसी क्रेविंग हो रही थी अच्छे खाने को लेकर के, कुछ बढ़िया सा मिल जाए। मन कर रहा था कैपेचिनो मिल जाए गर्म गर्म, बट यहाँ पे कहीं पे भी चाय डंकी नहीं मिली तो कैपेचिनो बहुत दूर की बात थी। बट फाइनली हमें मलकोट में ताज रिजॉर्ट के सामने मिल गई है कैपेचिनो। तो आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ मिल गई है सिटी वाली कैपेचिनो जहाँ पे चाय भी नहीं मिल रही थी। क्या बात है, तो गाइस एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारे कार प्ले में अभी टाइम हो रहा है 18:56, मतलब कि 6:56, और मोबाइल में टाइम हो रहा है 19:12, मतलब कि 7:12 शाम के। तो बेसिकली ये टाइम जोन का फ़र्क है, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। तो ये नेपाल का टाइम जोन है और मोबाइल वाला जो टाइम जोन है वो इंडिया का टाइम जोन है। मतलब 12:14 का फर्क है इंडिया और नेपाल के टाइम जोन में। तो गाइस हम लोग उतर चुके हैं काठमांडू से नीचे और लगभग अभी ये मान लीजिए जनकपुर होगा अराउंड 30-35 किलोमीटर दूर। और जरा रोड देखिए बिल्कुल सुनसान है, इतने लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पे। और जरा ये रास्ता देखिए आप, अगर आप बाइक से आ रहे हो पैदल हो तो भैया आपकी सांस रुक जाएगी रात में, बिल्कुल डरावना रास्ता है। और 9-10 बजे बाद तो यहाँ पे कोई व्हीकल दिखना भी बंद हो जाएगा आपको। अभी शाम के लगभग बज गए हैं 7:15 और हम लोग जनकपुर पहुँचने वाले हैं। जनकपुर के बाद में हम लोग पहुँचेंगे इंडिया बॉर्डर पे और लगभग 2 दिन के बाद में हमारी वापसी होगी इंडिया के लिए। ये जो हाईवे है इसको बोलते हैं एशियन हाईवे। यह है AH-02 एशियन हाईवे, मतलब कि इंडिया नेपाल म्यांमार और शायद पाकिस्तान भी इसी एशियन हाईवे से जुड़े हुए हैं। और ये एशियन हाईवे जाकर के मिलता है म्यांमार की सीमा में। तो ये मान लीजिए हम एक इंटरनेशनल रोड पे अभी राइड कर रहे हैं, बट फील तो ऐसा नहीं आ रहा भाई कि ये इंटरनेशनल रोड है। और अभी हम लोग जनकपुर बस पहुंचने वाले हैं, उसके बाद लगभग 5-6 किलोमीटर दूर इंडियन बॉर्डर आ जाएगा। बात करनी पड़ेगी भाई, क्यों करनी पड़ेगी, जा रहे हैं तो क्यों करनी भाई, वो तो इंडिया वाले पे होगी भाई। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए, बोले आपने कटवा के नहीं आए। गाइज ये आ गया है इंडिया नेपाल बॉर्डर अगेन और हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है नेपाल, फाइनली बैक टू इंडिया। एक बार भंसार चेक करवा लीजिए, तो मुस्कराइए आप वापस इंडिया में आ गए हैं। तो हम लोग फाइनली एंटर कर गए हैं वापस से इंडिया में और सामने चेक पॉइंट है जहाँ पे एंट्री करानी पड़ेगी दोबारा और हम कर जाएंगे एंट्री इंडिया में। तो गाइज 9 बजे बाद में यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते आप दोनों तरफ से,
चाहे इंडिया हो चाहे नेपाल हो, वहाँ जा कर के आपको अपनी डिटेल देनी पड़ती है। डिटेल देने के बाद में वो वेरीफाई करेंगे, आपकी चेकिंग करेंगे और उसके बाद ही जाने देंगे आगे।